अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। बात करेंगे पीलीभीत लोकसभा सीट की। पीलीभीत में चुनावी रंग चढ़ चुका है, चुनावी प्रचार जोर शोर से चल रहा है। विपक्षी दल हो या फिर सत्ताधारी दल हो, दोनों ही तरफ के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनसंपर्क के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। पीलीभीत में जो मुकाबला है वो महागठबंधन और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। महागठबंधन की तरफ से हेमराज वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी की तरफ से वरुण गांधी मैदान में है। हेमराज वर्मा के लिए तो अखिलेश यादव आकर के रैली करके चले गए और वोट करने की मतदाताओं से अपील भी कर ली, लेकिन वरुण गांधी के लिए अभी तक पीलीभीत में कोई भी केंद्रीय नेतृत्व से नहीं आया है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं में से किसी ने भी आकर के वरुण गांधी के लिए पीलीभीत में प्रचार नहीं किया, जबकि 23 तारीख को पीलीभीत में मतदान होना है तीसरे चरण में, लेकिन अब तक वरुण गांधी के पक्ष में कोई भी यहां पर रैली करने नहीं आया है। खास बात यह है कि बरेली बगल में है और बरेली के आंवला से लोकसभा उम्मीदवार जो हैं उनके लिए राजनाथ सिंह आए और उन्होंने रैली की। अमित शाह बदायूं आए और यहां पर उन्होंने बीजेपी के लिए रैली की। नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं वो भी कल आए और देवचरा में रैली करके चले गए, लेकिन पीलीभीत तक जाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। जो ये वरुण गांधी से दूरी है बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की, ये कई सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि वरुण गांधी ने समय समय पर केंद्र सरकार को लेकर के कई ऐसे बयान दिए जिनके चलते बीजेपी के केंद्रीय दल जो है, बीजेपी का जो केंद्रीय दल है और बीजेपी के जो केंद्रीय नेता है वो वरुण गांधी से खफा है और के चलते वरुण गांधी से दूरी बना रही है। उसके बाद भी एक और बात ये निकल कर सामने आई है कि बीजेपी के खेमे में जो पीलीभीत की बीजेपी इकाई है उसमें स्थानीय वर्सेस बाहरी की मुद्दे की लड़ाई चल रही थी। इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व तो यहां पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालांकि जो नेता खिलाफत कर रहे थे, जो मुखालफत कर रहे थे, वो आज वरुण गांधी के साथ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं का ना आना कई सवाल खड़े करता है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जब सांसदों की सैलरी को बढ़ाए जाने की बात चली थी तो वरुण गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि सैलरी बढ़ाने की आखिर जरूरत क्या है, जिसके बाद पीएमओ की तरफ से एक फोन गया और कहा गया कि आप हमारी परेशानी संसद में सैलरी के मुद्दे पर बोलकर क्यों बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वरुण गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल गए और जेल में रहते हुए भी उन्होंने देश हित में काम किया, उनकी उपलब्धियों के सामने बयान देने वाले कहीं नहीं टिकते, अगर वो टिकते हैं तो उनके पास उस तरीके की उपलब्धियां नहीं है जो नेहरू के पास थी और उनके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो मैं भी नहीं कर सकता, उन्होंने साफ कहा था। साथ ही कहा था कि नाम पीछे लगाकर उपलब्धि लेकर आगे बढ़ने वाले, परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें सीखना चाहिए और अपने दम पर अगर वो कुछ कर सकते हैं उसके बाद बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भी नेहरू के नाम से आगे बढ़ रहा हूँ और अगर मैं भी नेहरू मेरे पीछे गांधी ना लगा होता तो शायद मैं भी कहीं नहीं होता। इसके अलावा वरुण गांधी ने एक और बड़ा बयान दिया था और वरुण गांधी ने राष्ट्रवाद को लेकर और किसान नीति जो केंद्र सरकार की है उसको लेकर भी सवाल उठाए थे। वरुण गांधी ने कहा था कि सिर्फ देश में भारत माता की जय कह के अपनी राष्ट्रवादिता को नहीं साबित किया जा सकता, अगर राष्ट्रवादी हो राष्ट्रवादिता अपनी साबित करनी है तो उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है, जो मैं भी नहीं कर सकता और जो राष्ट्रवादिता साबित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। किसान नीति को लेकर भी वरुण गांधी ने सवाल उठाए थे। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वरुण गांधी से केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का खफा चल रहा है और इसी के चलते पीलीभीत में केंद्रीय नेतृत्व से कोई भी ऐसा नेता निकल कर नहीं आया जिसने वरुण गांधी के समर्थन में प्रचार किया हो। ये वो तमाम पहलू हैं जो बताते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है और वरुण गांधी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में एक अलग खिचड़ी पक रही है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहिए।